यमुना मैया के रौद्र रूप ने यमुना की तलहटी पर किसानों को बर्बाद कर दिया है। सैकड़ों बीघा फसल यमुना में तब्दील हो गई है। यमुना का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार दोपहर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने तहसील सदर के बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि बाढ़ में डूबी फसल का उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। यमुना मैया का रौद्र रूप लोगों को वर्ष 1978 की बाढ़ की याद दिला रहा है। तहसील सदर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 500 बीघा फसल यमुना में तब्दील हो गई है। तनोरा नूरपुर, मेहरा नाहरगंज, पंजाबी की ठार, ये ऐसे गांव हैं जहां के किसान सब्जियों की खेती करते हैं। इस फसल की उपज बेहद महंगी होती है। अब ये किसान खून के आंसू रो रहे हैं। सोमवार को जब प्रदेश कैबिनेट में शामिल क्षेत्रीय विधायक बेबी रानी मौर्य लोगों के बीच पहुंची तो इन किसानों का दर्द उनके सामने आ गया। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया कि इस प्राकृतिक आपदा में सरकार और प्रशासन उनके साथ है। उनकी हर संभव मदद के लिए वे प्रदेश के सीएम से गुहार लगाएंगी। देखिए, मैंने 5-6 गांव का दौरा किया है, जिसमें महल बादशाही है, तनोरा नारगढ़ है, समोगर घाट है, जमुनी है, कोई कुमरगढ़ है और नेहरा नारगंज। ऐसे 5-6 गांव के दौरे किए हैं। हालत बड़ी ख़राब है। किसानों की फसलें पूरी डूब गई हैं। उनके पास, वो कह रहे हैं कि अगली फसल के लिए हमारे पास बीज तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि इनका जो नुकसान हुआ है उसका इन्हें ठीक से मुआवजा मिल जाए। दूसरा, आज एक काम और होगा कि जितने भी सांप बिच्छू और ये निकलते हैं, जीव जंतु जो लोगों को काट लेते हैं और कई बार मौत भी हो जाती है, तो पहले एक बार दवाइयाँ डल चुकी हैं, अब दोबारा फिर से दवाएं डली जाएंगी जिससे किसी को जनहानि नहीं हो। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाढ़ प्रभावित गांवों के निरीक्षण के दौरान यमुना के कटान को भी देखा। मेहरा नारगंज में यमुना कर्व ले रही है। यहां पानी का तेज बहाव कटान के साथ खेतों को यमुना में तब्दील कर रहा है। निरीक्षण में एसडीएम सदर भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ चौकियों पर व्यवस्थाएं परखी। किसानों के नुकसान का उचित आकलन करने के आदेश एसडीएम सदर परीक्षित सिंह कठाना को दिए और उनके जानमाल की सुरक्षा के लिए भी, जो ठार पंजाबी है, उन्होंने हमसे आग्रह किया है कि यहाँ पे अगर ठोकर लग जाए तो उससे ये गांव बच जाएगा। मैं इतने गांव पानी में खुद ही घूम के आ रही हूँ, तो बस मेरा यही आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन है कि हमारे किसान भाई जितने हैं हम उनके साथ खड़े हैं। उनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी पूरी बात गंभीरता से बताएंगे और उन्हें जो नुकसान हुआ है उसका ठीक से मुआवजा मिले, इसका अनुरोध करेंगे। मेरे साथ एसडीएम थे और वहाँ के लेखपाल भी थे। एसडीएम ने भी पूरा आश्वासन भी दिया है कि मैम, मैं अपनी तरफ से भी रिपोर्ट बनाता हूँ। कुछ घर भी फटे हैं, उनके भी फोटोग्राफ खिंचाए हमने, तो उन घर का भी जो भी नुकसान हुआ होगा वो भी। और एसडीएम पूरे समय मेरे साथ रहे और उनका बहुत ही सकारात्मक रवैया था, तो वो भी रिपोर्ट बना के भेजेंगे और मैं भी अपनी रिपोर्ट बना के भेजूंगी। आपको बता दें कि इस बार यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान के पार पहुंचने के कगार पर पहुंच चुका है। जिस तरह से यमुना मैया उफान पर है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार आगरा में यमुना 500 फीट का आंकड़ा पार कर सकती है। यमुना मैया ने 500 फीट जलस्तर को छुआ तो बाढ़ के सैलाब से बर्बादी का मंजर ही मंजर सामने आएगा और कई किलोमीटर तक सिर्फ यमुना ही यमुना नजर आएगी। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।